बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट आयशा उमर आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इजी केक की रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है, तो आप प्लीज़ बाहर के खाने की नस्बत घर के खाने को प्रेफर करें और अपने घर में अच्छे साफ सुथरे खाने बनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं केक, प्लेन केक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 3 अंडे, 1 कप मैदा, 1 कप शुगर का लिया है, शुगर का पाउडर बना लिया है हमने, क्योंकि अगर इसका पाउडर ना बनाए तो ये बेकिंग के दौरान मेल्ट नहीं होती है बल्कि वैसे ही चीनी मुंह में आती है। हमने 1 कप से थोड़ा सा कम देसी घी लिया है मैंने। आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में लोग पसंद करते हैं आप वो यूज़ कीजिए। इसके लिए हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं रोजमोर का, और 1 चम्मच हम लेंगे लेमन एसेंस। इसके लिए पहले हम अंडों को अच्छी तरह एग्विटर से बीट कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी जो हमने अंडे लिए थे उसका कितना अच्छा सा, ये देखें फोमी सा बन गया ये। अब हम इसमें डालेंगे ये मैदा 1 कप। चीनी, शुगर पाउडर, और अगर आपके घर वाले कम चीनी पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि जितनी आप पसंद करते हैं उतनी चीनी डाल लें। और ये घी, बेकिंग पाउडर हमने इसमें 1 चम्मच लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन एसेंस। मैं वनीला एसेंस यूज़ नहीं करती, उसका मेरे घर वालों को तो खैर थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है उसका, लेकिन अगर आपको लेमन एसेंस का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लेमन एसेंस डालें, वनीला एसेंस अच्छा लगता है तो वनीला एसेंस डालें, आप पे डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया सब कुछ। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि कुछ भी इसमें से ऐसा ना हो कि मिक्स ना हुआ हो। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बता दूं, अगर आपके पास एग्रीटर नहीं है तो आप हर घर में जूसर ब्लेंडर वाली मशीन होती है, आप उसके जग के अंदर अंडे डालें और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लें, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। चलें जी, अब हम इसको इसमें डालते हैं। और यहाँ मैंने ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया था, जब मैं केक के लिए बेकिंग स्टार्ट करने लगती हूँ तो मैं ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगते हैं और इतनी देर में हमारा ओवन अच्छा प्री हीट हो जाता है। चलें जी, अब हम इसको केक के सांचे में डालते हैं। बटर पेपर के पास ज़रूरत तो नहीं होती ऑयल की, लेकिन फिर भी इससे आता है, हम इसको ऑयल लगा लेते हैं। चलें जी, हमने इसको इसमें डाल लिया है सांचे में। अब हम इसमें इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। हम इसको 180 डिग्री पे 40 to 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। चलें जी, हम देखने लगे हैं हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। आप छुरी की मदद से, किसी स्टिक की मदद से इसको देख सकते हैं। ये देखें हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। हमने इसको बाहर निकाल लिया ओवन से। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। देखें हम इसको कट कर दें। देखें कितना सॉफ्ट बना है। लेजी व्यूअर्स, आपका होम मेड स्लाइस, प्लेन स्लाइस केक रेडी है।
अपने घर जो मेहमान आते हैं उनको खिलाइए और तरीफे लूटिए और सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मिनटों में तैयार होने वाला प्लेन स्लाइस केक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।